नमस्कार सभी को, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ शर्मास फैब्रिक की तरफ से, जो कि हमारा एक्सक्लूसिव रेमंड का शोरूम है। तो आज हम लोग आपको बताने जा रहे हैं, बहुत हमारे जो व्यूअर्स ने डिमांड भी करी है कि अभी दिवाली आ रही है, शादियों का फेस्टिवल सीजन भी आ रहा है, तो प्लीज आप हमें बताएं कुर्ते पजामा और जैकेट का कॉम्बिनेशन बताएं, क्योंकि कुर्ता पजामा और जैकेट बहुत चलता है, शादी में भी चलता है और दिवाली आ रही है, हम सब जानते हैं कुर्ता पजामा और जैकेट का सीजन आ चुका है। तो यही हम वीडियो आज आपके सामने लाए हैं, ये डिमांडिंग वीडियो है। आज हम आप लोगों को दिखाएंगे टॉप 5 कॉम्बिनेशन, कुर्ता पजामा और जैकेट का टॉप 5 कॉम्बिनेशन दिखाएंगे। तो गाइस आप सब लोग रेडी हो जाए और लास्ट तक हमारे साथ बने रहे। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, ये जो हमारा शोरूम है ये जयपुर राजस्थान में है, और यहाँ पे आप हम लोगों को ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप मैसेज करें और ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में हमारे साथ है राम जी। तो राम जी प्लीज आप दिखाएं, प्लीज आप आए आगे। तो ये देखिए, ये जो है ये वाला कुर्ते का है, प्रिंटेड कुर्ता है, और जैकेट का कॉम्बिनेशन प्लेन में है, येलो कलर का जैकेट है और येलो कलर का ही कुर्ता है, पर ये कंट्रास्ट में है। इसके नीचे जो पजामा आएगा वो व्हाइट पजामा आएगा, तो आप देख सकते हैं, प्लीज आप जूम इन करके दिखाएं। ये वाला कुर्ता है, ये वाला हमारा जैकेट का है। तो आप चलते हैं हमारा जो सेकंड कॉम्बिनेशन है उसमें। तो ये सेकंड कॉम्बिनेशन देख सकते हैं आप, ये जो क्रीम कलर का जो है, लाइट ब्राउन क्रीम कलर का तो कुर्ता रहेगा हमारा, प्लेन कुर्ता है। इसपे जो जैकेट होगा वो जैकेट आप दिखाए जूम करके, बहुत ही प्यारा जैकार्ड में जैकेट है, प्रिंटेड जैकेट है, जैकार्ड इसकी डिजाइन को हम बोलते हैं, बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन है, देख सकते हैं। इसमें जो मैचिंग जो हमने मिलाया है वो क्रीम कलर का जो मैचिंग है उससे हमने क्रीम कलर का कुर्ता मिलाया है, तो ये बहुत ही एलिगेंट और बहुत ही प्यारा लगने वाला है दोस्तों स्टिच होने के बाद। तो चलिए अब हम हमारे जो थर्ड नंबर का जो है कुर्ता पजामा और जैकेट का जो सेट है, थर्ड नंबर वाले पे आ जाते हैं। आप देख सकते हैं इसमें भी कॉम्बिनेशन जो हमने डाला है, बहुत ही हल्का सा टेक्सचर है ग्रे कलर का कुर्ते के लिए, और जो जैकेट आप देख सकते हैं ये प्रिंटेड जैकेट है, और ये भी बहुत ही अच्छा जाएगा। इसके साथ मैं दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये जो हमने तीनों कॉम्बिनेशन दिखाए हैं अभी तक, उनके साथ जो पजामा रहेगा वो व्हाइट कलर का चलेगा, 95% व्हाइट कलर का पजामा ही चलता है। तो आप प्लीज जूम इन करके दिखाइए, पीछे से भी दिखा दीजिए आप। तो देखिए अब मैं आपको कुछ पजामे का कपड़ा जो फैब्रिक रहता है वो ये रहता है, इसका स्टफ भी मैं दिखा देता हूं आप लोगों को, प्लीज आप देख सकते हैं। जो पजामे का जो फैब्रिक रहेगा उसका स्टफ थोड़ा सा हमें मोटा लेना चाहिए, थोड़ा सा हार्ड स्टफ लेना चाहिए पजामे के लिए। तो देख सकते हैं ये क्वालिटी पजामे की है, व्हाइट कलर का पजामे के लिए, ठीक है। तो अब हम फोर्थ नंबर पे आ जाते हैं। फोर्थ नंबर का जो कॉम्बिनेशन है हमारा वो आप आए प्लीज, ये देख सकते हैं। इसमें क्या है, ये जो लाइट पिस्ता ग्रीन कलर का पजामा, सॉरी कुर्ता है, पर जो कुर्ता है इसमें हमने प्लेन नहीं लिया है फ्रेंड्स, कुर्ते का जो कपड़ा है वो चिकन में है। आप प्लीज जूम इन करें और दिखाएं चिकन, तो ये देख सकते हैं ये जो कुर्ता है ये चिकन का कपड़ा लिया है हमने, ये बहुत ही ट्रेंडी कपड़ा है चिकन के लिए, कुर्ते में बहुत ज्यादा चलता है, तो इसलिए हमने एक कॉम्बिनेशन इसका भी डाल दिया है। और ये जो जैकेट रहेगा इसका, ये जैकार्ड में जैकेट है, बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन है, आप देख सकते हैं। इसके साथ भी मैं आप लोगों को बता दूं व्हाइट कलर का पजामा ही चलने वाला है फ्रेंड्स, तो आप प्लीज दिखाएं आगे पीछे से कॉम्बिनेशन थोड़ा। तो ये चार कॉम्बिनेशन हमने आप लोगों को दिखा दिए हैं कुर्ते पजामे और जैकेट के। लास्ट में मैं एक कॉम्बिनेशन आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं जिसमें जैकेट का हमने यूज नहीं किया है दोस्तों। क्यों नहीं किया है, क्योंकि कई बार हम लोग डायरेक्ट वियर भी कर सकते हैं कुर्ता और पजामा, वो भी बहुत अच्छा लगता है विदाउट जैकेट भी। तो लास्ट में जो हमारा फिफ्थ कॉम्बिनेशन है आप प्लीज आए और दिखाएं, ये देखिए ये सिल्क का फैब्रिक है, सिल्क का प्योर सिल्क है, ये कुर्ते के लिए यूज किया है हमने, रॉ सिल्क बोलते हैं इसको,
कुर्ते के लिए इसके ऊपर हम कोई जैकेट नहीं डालेंगे क्योंकि ये खुद में बहुत एलिगेंट है, बहुत अच्छा है, इसमें आपको जैकेट वियर करने की जरूरत नहीं है। और इसके साथ जो पजामा रहेगा वो नोट करने वाली बात है कि वो व्हाइट नहीं रहेगा फ्रेंड्स, इसके साथ ऑफ व्हाइट कलर का पजामा रहेगा। आप प्लीज हमारे व्यूअर्स को दिखा रहे अच्छे से, तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा कि कैसे कुर्ते पजामे जैकेट का जो कॉम्बिनेशन है अभी कैसा ट्रेंड में चल रहा है, मैंने सारी चीजें आपको बताई है। अगर प्लेन कलर का हम कुर्ता लेंगे तो उसके ऊपर हम प्रिंटेड जैकेट में जा सकते हैं, और अगर प्रिंटेड हम जैकेट लेंगे तो प्लेन कलर का कुर्ता रहेगा, और प्रिंटेड अगर हमारा कुर्ता रहे तो हम उसमें ऑलवेज प्लेन कलर का जैकेट लेंगे। तो ये एक थोड़ी सी नोट करने वाली बात थी जो मैंने आप लोगों को बता दी है, और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल भी होने वाला है, क्योंकि हम सब ही लोग परचेजिंग करते हैं कुर्ते पजामे की दिवाली के लिए, शादी का सीजन के लिए। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हम लोगों को अगर ये इसमें से कुछ कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोग हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। थैंक यू, गुड डे, हैव अ नाइस डे।